कर्नाटका में इलेक्शन उत्सव को लेकर जब पाकिस्तान का नारा हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है, पाकिस्तानी झंडा जो कि लहराया जा रहा है चौक पर, तो उसमें से कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में और माइंड में ये आ रहा होगा कि कर्नाटका में जो कि 84% हिंदू है, 12% मुस्लिम है, तो उसमें से पाकिस्तान का नारा क्यों लग रहा है। कहीं ना कहीं ये माइंड में आ रहा होगा ना, यही माइंड में सब हर हिंदुस्तानियों के दिल में आ रहा होगा। तो एक रिजल्ट आप लोग को दिखाना चाहेंगे, देखिए एक तस्वीर हम लोग आप लोगों के सामने हमने पेश किए हैं, द कर्नाटका रिजल्ट 2023, 226 सीट्स और मेजोरिटी 113, जो कि किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए 113 सीट्स चाहिए, तब जाकर जो है कोई पार्टी सीएम बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो उसमें से 136 सीट जो है कांग्रेस हासिल करता है और 65 सीट जो है बीजेपी हासिल करता है और 19 सीट जो है जेडीएस हासिल करता है, अथर जो 4 सीट है हासिल करता है। कि कर्नाटका क्या इस्लामिक स्टेट बनने वाला है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, और जिन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया है फिलहाल उन लोगों को तो पुलिस ने चेतावनी दिया है कि अगर इस तरीके का नारा अगर लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस कोई बड़ा कदम उठाने वाला है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा नारा लगाया था एक इलेक्शन उत्सव पर, जब कांग्रेस जीत हासिल करता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता ने एक रैली पर इंजॉय वगैरह करता है, उत्सव मनाता है, उसी उत्सव पर पाकिस्तान का नारा लगाया जाता है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए दोस्तों कि उन लोगों ने आखिर किस तरीके से पाकिस्तान का नारा लगा रहा था, किस तरीके से चौक पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था इस तरीके से, देखिए। और पुलिस ने किस तरीके से उन लोगों को चेतावनी दिया, देखिए देखिए। देखिए राहुल जी, देखिए आपका कार्यकर्ता ने किस तरीके का मतलब कि तमाशा खड़ा किया है। क्या इसीलिए आप भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे? क्या भारत जोड़ना चाहते हैं इसी के लिए, इन लोगों के लिए भारत जोड़ना चाहते हैं, या किस प्रकार से भारत जोड़ना चाहते हैं? जो आप ही का कार्यकर्ता, जो आप ही का कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन कार्यकर्ता है, उन लोगों ने भारत को दो हिस्सों में बांटने का कोशिश करता है, जब कर्नाटका इलेक्शन में आप विजय होते हो जो जीत हासिल करते हो, और उसके बाद जो इस प्रकार का नज़ारा दिखने के लिए मिलता है, क्या इसीलिए आप भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे क्या, बताइए? आप दीजिए हिंदुस्तान का हर जनता को सवाल, जो आप बोल रहे थे कि भारत जोड़ रहा है, भारत जोड़ना चाहिए, भारत टूट गया है, भारत जोड़ना चाहिए, भारत टूटा नहीं था, भारत जोड़ल था, टूटा था 60-65 सालों से, लेकिन आप का सरकार जब विजय कर्नाटका में फिर से जब विजय हुआ, जीत हासिल किया, उसके बाद कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है? क्या यही भारत जोड़ो यात्रा है क्या? क्या यही भारत जोड़ो सवाल है? क्या भारत जोड़ना चाहते हो इस प्रकार से, जो पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, जो पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, आप जीत हासिल करते हो और उसी जीत हासिल पर जब उत्सव मनाता है, क्या इस प्रकार का नारा लगाया जाता है क्या? हमारे वंदे मातरम की जय कहाँ गया? कहाँ गया हमारे वंदे मातरम की जय कहाँ गया अभी? और आप बताते हो भारत टूट गया, भारत जोड़ना चाहिए। देखिए राहुल जी, आपको गलत नहीं बता रहे हम, लेकिन आपका जो इरादा था, आपका जो सोच था, कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहा है आपका कार्यकर्ता के माध्यम से। और जो कांग्रेस ने कर्नाटका में फिर से दोबारा जो जीत हासिल किया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में किया है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये पार्टी सरकार है और कर्नाटका में जीत हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। आज पाकिस्तान जिंदा का बात कहा जाता है, ऐसा क्यों होगा? हमारे हिंदुस्तान में बहुत स्टेट में अलग अलग प्रकार का पार्टियाँ है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है,
वो हमारे बंगाल में टीएमसी पार्टी है, बहुत सारे जगह में बिहार में आरजेडी का पार्टी है, आपका कांग्रेस पार्टी है, सीपीएम है, हमारे बीजेपी पार्टी है, कहीं भी देखें किसी अगर कोई समाजवादी पार्टी या किसी भी आम आदमी पार्टी कोई अलग पार्टी अगर जीत हासिल करता है अपने विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, तो किसी को भी दिखे हैं कि उस सब मनाते टाइम पाकिस्तान का नारे लगाता है, उस सब मनाते टाइम क्या पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता है किसी भी चौक पर, कहीं भी नहीं देखे होंगे दोस्तों। आज पहली बार दिखाई दे रहा है जो पार्टी हमारे हिंदुस्तान में पिछले 60 से 65 साल से राज करता आ रहा है, लेकिन आज जो कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई दिया दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे हर हिंदुस्तानी के दिल में कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नफरत घुस सकता है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में पाकिस्तान का क्यों नारा लगाया जाएगा भाई, पाकिस्तान का झंडा क्यों लहरवाया जाएगा क्यों? और उसमें से जो भी पाकिस्तान का नारा लगा रहा था, पाकिस्तान का झंडा इस्लामिक झंडा लहरा रहा था, बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि ऐसा नारा ऐसा झंडा पाकिस्तान का नारा पाकिस्तान का झंडा आखिर कौन लहरा सकता है, पाकिस्तान का नारा कौन दे सकता है? तो खास करके सभी भाई जानते हैं कि मुस्लिम लोग दे सकते हैं। और ये जो मेरा मैसेज है कहीं ना कहीं उन मुस्लिम भाइयों को बताना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं उस मुस्लिम भाई तक, जिस मुस्लिम भाइयों ने अक्सर मुझसे हिंदू मुस्लिम के नाम से कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों के दिल में नफरत घुसाता है, तो इसीलिए हमारे उन मुस्लिम भाइयों को बताते हैं कि अगर नफरत घुसाना है अपने मुस्लिम भाइयों के दिल में तो इन जैसे मुस्लिमों के खिलाफ घुसाओ जो मुस्लिम किसी भी पॉलिटिकल लीडर का पावर के चलते पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है हमारे हिंदुस्तान में। और कहीं ना कहीं इसमें से हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि पाकिस्तान का सरकार लगता है कर्नाटका में जीत हासिल किया है, या कर्नाटका ही अभी पाकिस्तान हो गया है, कुछ इस प्रकार का नज़ारा माइंड में आ रहा है और नज़ारा दिखाई दे रहा है। यह हमारे हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, अगर किसी भी जीत हासिल करता है तो कोई दूसरा देश का नारा क्यों लगेगा? और ख़ास करके तो जानते हैं आप लोग कि पाकिस्तान का नारा अक्सर हमारे हिंदुस्तान में, तो उन मुस्लिम भाइयों को बता रहे हैं कि खाते हो हमारे हिंदुस्तान में, रहते हो हमारे हिंदुस्तान में, ए टू जेड आप लोग काम करते हो, रहते हो, कुछ भी करते हो हमारे हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान का गुण क्यों गाते हो भाई? जिन पाकिस्तान का गुण गाते हो एक बार जाकर देखो पाकिस्तान में आज कैसा नज़ारा है, पाकिस्तान का आज पाकिस्तान का क्या हालात है, जाकर देखो। सोशल मीडिया में तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बार जाकर देखो, देखने का कोशिश करना, जो पाकिस्तान में आज भूख के मार चलते लोग मर रहा है दो वक्त का खाना के लिए, उसके बीच उसके ऊपर फिर एक दंगा लग गया इमरान खान को लेकर, जो इमरान खान को गिरफ्तार किया पाकिस्तान सरकार ने। तो दोस्तों हम ये नहीं बताते हैं आप लोग को कि कांग्रेस को सपोर्ट मत करो या किसी भी पार्टी को सपोर्ट मत करो, हम ये नहीं बताते हैं, अपना मर्जी अपने आप को, कोई भी पार्टी अगर अच्छा लगता है आप सपोर्ट करो, वोट दो, कुछ भी करो, लेकिन जीत हासिल करने के बाद उस सब मनाओ, अक्सर तो मनाया जाता है उस सब बहुत ही धूमधाम के साथ, जो सत्ता में आता है किसी भी जगह तो उसको बहुत ही फूलों का हार देकर उसको सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसी के साथ एक जो जिससे आज देखा देखने के लिए मिला, कहीं ना कहीं इससे पहले नहीं दिखाई दिया था, खास करके ऐसे रैलियों में जब जो रैली एक उत्सव का होता है, एक जीत हासिल का होता है, और उसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे हिंदुस्तान जैसा पाक मिट्टी में पाकिस्तान का नारा लग रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान जिंदाबाद हम बोल दिए ही, हमको बहुत गलत लगा, एक बार बता देते हैं, जी हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये मेरा वीडियो उन मुस्लिम भाई तक जरूर पहुंचाना, आप लोगों से विनती है, जिन मुस्लिम भाइयों ने इस मिट्टी के लिए, हिंदुस्तान के लिए अभी भी जान देने के लिए सबसे पहले खड़ा रहता है, और उन भाई उन मुस्लिम तक जरूर पहुंचा देना, उन गद्दार मुस्लिम तक, जिस गद्दार मुस्लिमों ने या हिंदू ने कौन किया पता नहीं, अगर कोई भी हो उन गद्दार तक पहुंचा देना जिसने पाकिस्तान का नारा लगाया था और लगाता है। तो वीडियो ऐसे जा करते हैं यार।
मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करके वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय बंगाल।